गुड मॉर्निंग एवरीबडी. इन द लास्ट क्लास आई टॉट यू पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस आई टॉट यू 10 रूल्स एंड दिस इज द 11th वन. और इसमें देखना क्या है कि पहले बताए थे और इसमें देखना है कि रेगुलर एक्शन के लिए पास्ट में यूज टू का यूज किया जाता है. इट मीन्स व्हेन अ सेंटेंस इज गिवन इन पास्ट एंड दिस शोज रेगुलर एक्शन, कि जब कोई सेंटेंस पास्ट में दिया हुआ हो और उससे रेगुलर एक्शन का बोध हो, नियमित कार्य का बोध हो पास्ट में, तब वहाँ उसके लिए किसका योग्य था, यूज्ड टू. फॉर एग्जांपल देखो, वह रोज सुबह जगता था. अब जैसे लिखा है वह रोज सुबह जगता था, इसका मतलब काम कब होता था, डेली. तो जब डेली काम होता है तो सबसे पहले किसका लिखेंगे, वह का. इंग्लिश क्या होगा, ही. वह का इंग्लिश क्या हो गया, ही यूज टू गेट अप. ये यूज टू हो गया, ही यूज टू गेट अप इन द मॉर्निंग डेली. यदि रहता मैं रोज चाय पीता था, आई यूज टू टेक टी डेली. वह रोज खेलता था, ही यूज टू प्ले डेली. छात्रगण रोज अध्ययन क्या करते थे, कैसे बनाएंगे, स्टूडेंट्स यूज टू स्टडी एवरी डे. उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस इज, एक बहुत बूढ़ा आदमी प्रतिदिन शाम के 5 बजे उस नदी के किनारे टहलने जाता था. कब, प्रतिदिन. रेगुलर एक्शन बता रहा है, जब रेगुलर एक्शन बताया जाए तो क्या होगा, रेगुलर एक्शन बताने के लिए यूज टू का, प्रतिदिन. एक बहुत बूढ़ा आदमी प्रतिदिन शाम के 5 बजे. सबसे पहले एक बहुत बूढ़ा आदमी क्या बनेगा, अ वेरी ओल्ड मैन होगा ना. क्या करता था, टहलने जाया करता था, यूज टू हो गया रेगुलर एक्शन के लिए. गो फॉर ए वॉक, टहलने के लिए जाया करता था. कहाँ, ऑन द बैंक ऑफ दैट रिवर. दैट का हुआ उसका, हुआ दैट और इसका होता है दिस. ऑन द बैंक ऑफ दैट रिवर डेली, इसका मतलब क्या हो गया, अ वेरी ओल्ड मैन यूज्ड, अ वेरी ओल्ड मैन यूज टू गो फॉर ए वॉक. फॉर ए वॉक फ्रेज हो गया. कहाँ, ऑन द बैंक ऑफ, नदी के किनारे. किस नदी के किनारे, ऑफ दैट रिवर, उस नदी के किनारे. कहाँ, उस नदी किनारे. कब, एट 5 PM. 5 PM क्या हो गया, शाम के 5 बजे. PM का फुल फॉर्म क्या, तो व्हाट्सएप फुल फॉर्म ऑफ PM, पोस्ट मेरिडियम. और AM रहता तो एंटी मेरिडियम, मीन्स रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक AM, और 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक, दैट इज कॉल्ड PM. तो संध्या के 5 बजे. अब देखो क्या हुआ, मैं आप लोगों को रोज अंग्रेजी पढ़ाया करता था. तो मैं पढ़ाया करता था, पहले इतना समझना, आई यूज्ड टू क्या, टीच. अरे रोज पढ़ाया करता था आप लोगों को, यू क्या बना, आई यूज्ड टू टीच यू क्या, इंग्लिश. अब प्रतिदिन का क्या होता है, डेली या एवरी डे, क्या बन गया, आई यूज टू टीच यू इंग्लिश एवरी डे. अब देखना है, अब देखो 12th नंबर, पढ़ता रहा, खाता रहा, गाता रहा, बोलता रहा, देखता रहा, नाचता रहा, सोता रहा, इस तरह करें. मतलब पास्ट में कोई कार्य चलता रहा. प्रेजेंट में बताए थे ना, प्रेजेंट में क्या बताए थे कि वह खाता रहा है, तुम आवेदन पत्र लिखते रहे हो, बुढ़िया गीत गाती रही है, वे लोग वहाँ जाते रहे हैं, इस तरह से. लेकिन जब पास्ट में रहेगा तो लास्ट में रहेगा ता रहा था, ते रहे, ती रही, या गाता रहा, पढ़ता रहा, लिखता रहा, जाता रहा, इस तरह से. और जब ऐसा रहे तो इसका फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वेंट ऑन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट. ये हो गया सब्जेक्ट प्लस वेंट ऑन प्लस VING प्लस. देखो होता है वर्ड होता है गो ऑन का मतलब होता है जारी रखना. जारी रखना मतलब किसी काम को का चलते रहना. और इसी का पास्ट फॉर्म हो गया वेंट ऑन. ही केप्ट ऑन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट. कीप ऑन मीन्स होता है जारी रखना, चलते रहना. सब्जेक्ट प्लस रिमेन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट. रिमेन मीन्स होता है रहना. एंड नेक्स्ट वन, सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यू टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यू का मतलब होता है कोई काम जारी रखना, इस तरह से. अब सेंटेंस को,
फॉर एग्जाम्पल हियर आर सम एग्जाम्पल्स, लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते रहे. इट मीन्स दिस इज अ सेंटेंस एंड दिस सेंटेंस कैन बी ट्रांसलेटेड इन मेनी वेज, इन फोर वेज. इस सेंटेंस को हम कितने तरह से बना सकते हैं? चार तरह से. बॉय मैदान ये लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते रहे. अब है लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते रहे, लड़के का क्या हुआ? बॉयज. और वेंट ऑन फॉर्मूला के अनुसार जारी रखना, प्लेइंग. बॉयज वेंट ऑन प्लेइंग, लड़के खेलते रहे क्या? क्रिकेट. कहाँ? मैदान में. इन द फील्ड. ये हो गया इन द फील्ड. नेक्स्ट वन, बॉयज कैप्ट ऑन प्लेइंग. बॉयज कैप्ट ऑन, कीप ऑन का हो गया पास्ट फॉर्म कैप्ट ऑन. बॉयज कैप्ट ऑन प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड. अब रहेगा मैं चाय पीता रहा है, क्या होगा? आई वेंट ऑन टेकिंग टी. आई कैप्ट ऑन टेकिंग टी. आई रिमेन टेकिंग टी और आई कंटिन्यू टू टेक टी. नेक्स्ट सेंटेंस, बॉयज रिमेंड प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड. रिमेन का भी मिलता है रहना. अब बॉयज कंटिन्यू टू, सिर्फ इसमें देखना है जब वेंट ऑन रहे या कैप्ट ऑन रहे या रिमेन रहे तो वर्ब में आई एन जी होगा और कंटिन्यू रहेगा तो टू. बॉयज कंटिन्यू टू प्ले क्रिकेट इन द फील्ड. अंडरस्टैंड, समझने में कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट वन, वह मधुर गीत गाती रही. अब देखो सब्जेक्ट कौन है? वह. सी क्या हो गया? सी. अब गाती रही, वेंट ऑन जारी रखना, सिंगिंग. क्या गाती रही? सी वेंट ऑन सिंगिंग. वह गाती रही क्या? मधुर गीत. क्या क्या होता? अ मेलोडियस सॉन्ग. क्या बन गया? सी वेंट ऑन सिंगिंग अ मेलोडियस सॉन्ग. नेक्स्ट वन, सी कैप्ट ऑन सिंगिंग अ मेलोडियस सॉन्ग. सी रिमेंड सिंगिंग अ मेलोडियस सॉन्ग. नेक्स्ट, सी कंटिन्यू टू, ये हुआ कंटिन्यू. सी कंटिन्यू टू सिंग अ मेलोडियस सॉन्ग. अंडरस्टैंड. अब यदि रहे वह खेलता रहा, कैसे बनाओगे? ही वेंट ऑन प्लेइंग, ही कैप्ट ऑन प्लेइंग, ही रिमेंड प्लेइंग और ही कंटिन्यू टू प्ले बनेगा. अब देखो नीचे कुछ ट्रांसलेशन. हाँ देखो, अब कुछ ट्रांसलेशंस है कि तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार बेसब्री से करती रही. बेसब्री से क्या होगा? इम्पेशेंटली. इम्पेशेंटली बेसब्री से स्पेलिंग बताते हैं. आई एम पी ए टी आई एन टी एल वाई. आई एम पी ए टी आई एन टी एल वाई, इम्पेशेंटली. छात्रगण महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करते रहे. महत्वपूर्ण का क्या लिखा होगा? इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का क्वेश्चंस. किसान अपने अपने खेतों को जोतते रहे. किसान का जोतते रहो, किसान का जानते ही हो. और जोतना का होता है प्लो, पी एल ओ यू जी एच. बनाना है सबको, चारों तरफ बनाना है. वह ईमानदारी पूर्वक अपना काम करती रही. ईमानदारी पूर्वक का क्या होगा? ऑनेस्टली. क्या होगा? ऑनेस्टली. स्पेलिंग बोल देते हैं एच ओ एन ई एस टी एल वाई. अब देखो, वे लोग अपने अपने दोस्तों से बातचीत करते रहे. बातचीत करना का टॉक टू और टॉक विद, टी ए एल के, टॉक डब्ल्यू आई टी एच, टॉक विद बातचीत करना. मैं मैदान में टहलता रहा. टहलना का वक्त जानते ही हो. मूसलाधार वर्षा होती रही. मूसलाधार वर्षा का होना क्या गया? इट्स ए नेचुरल इवेंट. एंड नेचुरल इवेंट है, उसके लिए इट का यूज होता है. तो मैं मूसलाधार वर्षा होती रही, इसके लिए मूसलाधार वर्षा होना इट्स ए नेचुरल इवेंट. और नेचुरल इवेंट जब रहेगा तो सब्जेक्ट क्या होगा? इट. सब्जेक्ट इसका इट हो जाएगा. अब वर्षा का होना का क्या होता है? रेन. अब मूसलाधार का कैट्स एंड डॉग, दैट यू नो वेरी वेल. एंड नेक्स्ट वन इज, एंड दिस इज परहैप्स दिस इज द लास्ट सेंटेंस, तारे आसमान में टिमटिमाते रहे. एक और है, तारे आसमान में टिमटिमाते रहे. तारे का क्या हुआ? द स्टार्स. स्टार्स के पहले तय होगा. और टिमटिमा का नाम का क्या होता है? ट्विंकल, टी डब्ल्यू आई एन के एल ई. एंड नेक्स्ट वन, गाय मैदान में चरती. हाँ चलती, देखो लिखा है चलती नहीं होगा, चरती होगा, इसको सुधार लेना. गाय मैदान में चरती रही. ये चरती नहीं, चरती. चरती रही बनेगा. चरना का क्या होता है? ग्रेस. अंडरस्टैंड, इतना टोटल बना लेना है और इसको समझ लेना है, उसके बाद फिर आगे बताएंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच.